हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 1C, नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से समझिएगा, फिर सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। आपको 2 और 2.5 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है और एक इरैशनल नंबर लिखना है। तो आपको पता है ऐसे तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर है तो उनके बीच में जो डिफरेंट रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन वो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो देखिए, हमें रैशनल नंबर निकालना है। पहले रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। तो मैं अभी एक लिख रहा हूं, बाद में आपको सारे भी कई सारे भी बताऊंगा, आप कितने भी लिख सकते हो। देखिए, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.0, एक जीरो लगा देते 2.00, और 2.5 को क्या लिखते हैं, 2.50। तो आप देख सकते हो 2.00 और 50 के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो आप इसके बीच में एक जो नंबर जो आपको चाहिए है वो लिख सकते हैं 2.01, इसी तरह से 2.02, 2.03 एंड इनफाइनाइट, मतलब इस तरीके से और भी आप निकाल सकते हो और लिख सकते हो। क्लियर हुआ? तो 2.01 मैंने कर दिया। इसी तरीके से 0.01 भी कर सकते हो, 0.001 भी कर सकते हो, तो कितने भी आप नंबर्स निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब यही है, मतलब अच्छे से समझ के आपको करना है। अब बारी आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज इक्वल टू, अब आपको ऐसा कुछ लिखना है कि नंबर ना तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो जैसे मैंने लिया 2.01, 0.11, 0.111, 0.4 times 1 एंड सो ऑन। इस तरह से 3 डॉट लगा दो, तो ये डॉट बताएगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो ये पैटर्न बता रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एक इरेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से आप कितने भी निकाल सकते हो। जैसे एक और निकाल के दिखाऊं मैं, 2.03, 0.5, 0.55, 0.555, 0.4 times 5 एंड सो ऑन, कितने भी लिख सकते हो। नहीं, वेरी गुड, तो समझ में आ गया आपको। तो इतने में ये बस ये जो सोल्यूशन हमारा हो गया। और अब आपको क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।